हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका पेपर फर्स्ट का कंटिन्यू लेक्चर वीडियो होगा। इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कंजुगेशन, ठीक। अब कंजुगेशंस के आगे जो आएगा आपके पास वो आएगा ऑटोगैमी कहते हैं, क्लियर। ऑटोगैमी या इसी को ही हम लोग कह देते हैं ऑटोमिक्सिस भी कह देते हैं यहाँ पर, मतलब ऑटोगैमी भी कहेंगे या इसी को ही हम कह देंगे ऑटोमिक्सिस भी कह देंगे। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी का मतलब होता है यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, स्वतः जनन कहते हैं यहां पर, क्लियर। स्वतः जनन कह सकते हैं यहां पर। ये जो ऑटोगैमी है ये कंजुगेशन की तरह सेम है, बस अंतर केवल इसमें ये है बेटा कि यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ये केवल सिंगल इंडिविजुअल पे हो रहा है, वो हो रहा है पैरामीशियम ऑरिलिया में यहां पर, जिसमें कि आपके पास एक मेगा है दो माइक्रोन्यूक्लियस है यहां पर, क्लियर। एक मेगा है दो माइक्रोन्यूक्लियस, अंतर केवल इतना ही है यहां पर, बाकी प्रोसेस सेम है यहां पर। वो पाया गया था आपके पैरामीशियम काउडेटम में कंडीशंस थी यहां पर, और ये पाया गया पैरामीशियम ऑरिलिया पे है यहां पर कंडीशन, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है यहां पर। बस अंतर केवल इतना है कि ये जो प्रोसेस है वो केवल एक ही इंडिविजुअल में हो रहा है। वो प्रोसेस क्या हो रहा था, उसमें दो पैरामीशियम फ्यूज हो रहे थे तब फॉर्मेशन हो रहा था, यहां पर भी सेम है, जाइगोट बन रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, फिर मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसमें चार बन रहा है, इसमें दो बन रहा है यहां पर। अब ऑटोगैमी कहने का मतलब है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ माइनलिंग यहां पर, मींस कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार के संयुग्मन में एक प्रकार के केंद्रक का पुनर्गठन है, इसमें केवल एक ही जंतु के दो लघु केंद्रकों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, दो माइक्रोन्यूक्लियस का ही फ्यूजन हो रहा है एक ही जंतु के, वहां पे दो जंतुओं के माइक्रो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा था, ए का बी में, बी का ए में, यहां पर केवल एक ही कंडीशन है, यहां पर केवल एक ही का ही फ्यूजन हो रहा है, आप दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है यहां पर। तो अब यहां पर कंडीशन क्या होती है कि पैरामीशियम ऑरिलिया में मेगा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया। मेगा न्यूक्लियस क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ। जब मेगा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसी के साथ यहां पर क्या हुआ कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो ट्वाइस डिवाइड हुआ, ट्वाइस डिवाइड हुआ, जिसमें कि एक उसमें क्या है मियोसिस है, जिसके फलस्वरूप में कितने बन गए, आठ न्यूक्लाई का फॉर्मेशन हुआ। कितने का फॉर्मेशन हुआ, आठ न्यूक्लाई के, उन आठ में से सात न्यूक्लाई क्या हो गए, डिजनरेट हो गए, डिजनरेट माने छह हो गए, तो छह हो गए तो बचा केवल आपके पास कितना, एक ही तो न्यूक्लियस बचा यहां पर, ये दिस वन ब्लू इन कलर, एक न्यूक्लियस बचा, और इस न्यूक्लियस में फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप में यहां पर दो गैमिट न्यूक्लाई का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। कितने का सात में थे, आठ थे, आठ में सात छह हो गए, बचा केवल कितना, एक बचा, उस एक में फिर डिवीजन हुआ, डिवीजन होके फॉर्मेशन किया, किसका फॉर्मेशन किया, गैमिट न्यूक्लियाई का, और वो गैमिट न्यूक्लियाई, दो गैमिट न्यूक्लियाई बने, इन दो गैमिट न्यूक्लियाई का आपस में फ्यूजन होता है और ये फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं यहां पर, क्लियर, जाइगोट न्यूक्लियस, और या इसी को हम कह देते हैं सिनकैरियन। मेगा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया था यहां पर, क्लियर, मेगा न्यूक्लियस क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था आपके पास। अब क्या हुआ कि ये फिर डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हुआ, डिवाइड होके इसने फॉर्मेशंस किया क्या फॉर्मेशन किया, फोर न्यूक्लाई का फॉर्मेशंस किया यहां पर, मतलब कि दे आर डिवाइड टू ट्वाइस, ये दो बार डिवाइड होगा, एक से दो, दो से कितने बने, चार न्यूक्लियाई बने, इन चार न्यूक्लियाई में एक एक क्या होगा,
दो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक बचेगा माइक्रो न्यूक्लियस, ये फिर बैंडी फिजन के लिए जाएगा पैरामीशियम, और न्यूक्लियस फिर डिवाइड होगा, जिसके फलस्वरूप में एक एक न्यूक्लियस और आ जाएगा, वह प्रत्येक डॉटर सेल्स में एक मेगा होगी और दो क्या होंगे, माइक्रो न्यूक्लियस होंगे। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ऑटोगैमी। यहां पर क्लियर हो गया, मींस कि लगभग ये दो, ये जो प्रक्रिया है लगभग दो दिन में पूरी हो जाती है, इसको एडजस्टमेंट होने पे पूरे दो दिन में प्रक्रिया ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यहां पर कहते हैं। ठीक, यहां क्लियर हो गया। अब फिर से आप समझ लीजिए, ऑटोगैमी मीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या प्रक्रिया कंजुगेशन की तरह सेम है, बस केवल इसमें एक ही इंडिविजुअल की आवश्यकता पड़ती, एक ही जंतु के लघु केंद्रकों का फ्यूजन होता है यहां पर। ठीक, एक केंद्र यहां पे था, एक मेगा दो माइक्रो है, मियोसिस हुआ, डिवाइड हुआ, एक मियोसिस ट्वाइस डिवीजन होगा, एक मियोसिस होगा, फॉर्मेशन करेगा, आठ न्यूक्लाई का आठ में क्या हो गए, सात छह हो जाएंगे, फिर माइटोसिस को जाएगा, गैमेट न्यूक्लाई बनाएंगे, गैमेट न्यूक्लाई आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके बनाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे तो बनाएंगे जाइगोट न्यूक्लियस, या इसी को सिनकैरियन कहेंगे, ये फिर डिवाइड होगा ट्वाइस, ट्वाइस डिवाइड होने पर इसने चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। अब इन चार न्यूक्लियस में एक एक मेगा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये फिर डिवाइड होगा बैंडी फ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जाएगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा बैंडी फ्यूजन के द्वारा, तो जिससे कि फलस्वरूप जो न्यूक्लियस होगा माइटोटिक डिवीजन के गैर न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस, तो प्रत्येक डॉटर सेल्स में एक मेगा दो माइक्रो, एक मेगा दो माइक्रो पाए जाएंगे। तो इस तरह इसमें कितने बन रहे, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे बेटा, क्लियर हो गया। और जबकि माइक्रो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, सॉरी उसमें कंजुगेशन में क्या हो रहा है, एक पैरामीशियम से फॉर्मेशन हो रहे हैं, कितने का फॉर्मेशन हो रहा है, चार का फॉर्मेशन हो रहा है डॉटर पैरामीशियम का, ये डिफरेंस है केवल, बाकी सेम प्रोसेस है, सिंगल इंडिविजुअल है यहां पर, कंजुगेशन की तरह जाइगोट बनेगा, क्लियर, बस न्यूक्लियस के अंतर है एक मेगा दो माइक्रो यहां पर, क्लियर, दैट इज फिनिश योर ऑटोगैमी। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है बेटा।